मैं कनाट प्लेस के पास गया, वहां पे एक बच्चा दो तीन ईंटे रख के ऊपर उसके बर्तन रख के चाय बना रहा था। लाइन लगी हुई थी, लोग ले रहे थे चाय उसकी, बहुत मजेदार थी, लेकिन साथ यूपीआई का साइन पड़ा। बॉम्बे में मोची के पास क्यूआर कोड था, ठीक है, पान वाले के पास क्यूआर कोड था, आपको कैश की जरूरत नहीं है, आप स्कैन। कचोरी बंद लोग खा रहे थे वहां, मैं देख रहा हूँ यार कचोरी सब खा रहे हैं और खा के जा रहे हैं, पैसे कोई नहीं दे रहा, ट्रांजेक्शन अबे वो चेक क्यों नहीं कर रहा। फिर मैंने साइट पे देखा तो पेटीएम का क्यूआर कोड लगा हुआ था, लोग स्कैन करके देके चले जाते थे। ये देखिए जिस तरह से वो लोग कोड इस्तेमाल करते हैं, स्कैन करते हैं और पैसे ट्रांसफर होते हैं, कैशलेस इकोनॉमी है। ये एक जमीन पर बैठी हुई औरत है जो सब्जी बेच रही है और स्टिल यूपीआई कोड दिखा रही है, तो क्या कहते हैं सर? आप समझते हैं पाकिस्तान इंडिया का कोई कंपटीशन है? ये हम बातें कहने में तो पाकिस्तान को कहते हैं जी इंडिया को ये कर देगा, इंडिया हमसे 100 साल आगे है। मैंने एक रिसर्च पढ़ी है, उस रिसर्च में लिखा हुआ है कि 2040 या 2050 के बीच में इंडिया विल बी द नेक्स्ट सुपर पावर। सबसे बड़ी दुनिया की मुशियत होगी चाइना, चाइना के बाद सेकंड नंबर पे इंडिया होगा। हम फेल क्यों हो रहे हैं? एक तो हमारी एजुकेशन सिस्टम ने हमें फेल किया, क्योंकि 1963 में आईआईटी बॉम्बे ने कंप्यूटर साइंस डिग्री शुरू कर दी थी। हमारी फास्ट ने कब शुरू की? 1990s में शुरू की गालिबन, और ये सारी तकरीबन 30 साल लेट हमने कंप्यूटर साइंस में पहली बात आए, ठीक है। हमारे आईआईटी ग्रेजुएट्स कितना प्रोड्यूस होते हैं साल के अंदर? 20,000, 30,000, 27,000, 50,000, बस इतने। इंडिया में 8.5 लाख ग्रेजुएट सिर्फ कंप्यूटर साइंस का प्रोड्यूस, आईटी टेक की बात नहीं, सिर्फ कंप्यूटर साइंस कोर 27 तो आईआईटीज हैं उनके पास 27। ये क्या वजह है कि 100 मील के फासले पे कौम की सोच अलग है? मैं देख रहा हूं, मैं मेट्रो में गया हूं, एक सिगरेट बट नहीं देखा मैंने। मैं इंडिया गेट गया हूं, मुझे अमेरिका से ज्यादा सफाई नजर आ रही है। ये एक माइंड सेट होता है, एक रेवोल्यूशन होता है कि पाकिस्तानियों को इस टाइम इंडिया को अप्रिशिएट करना चाहिए, इंडिया के मतलब नगमे लगाने चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि शायद इन हमारे हुक्मरानों को शर्म आ जाए। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने वीडियो की शुरुआत में देखा कि किस तरह यूपीआई यानी यूनिफाइड इंटरफेस पेमेंट का जादू पाकिस्तानियों के सिर चढ़कर बोल रहा है, यूपीआई सिस्टम आज पूरे भारत में चल रहा है और बड़ी बड़ी शॉप से लेकर सब्जी बेचने वाले ठेलों पर भी यूपीआई सिस्टम का बोलबाला है। साल 2022 में यूपीआई से 38.7 बिलियन ट्रांजैक्शन की गई और अब भारत ऑनलाइन पेमेंट के मामले में दुनिया में पहले स्थान पर है। भारत घूमने आने वाले विदेशी और पाकिस्तानी यूपीआई सिस्टम देखकर हैरान परेशान रह जाते हैं, क्योंकि इतनी आसानी से ऑनलाइन पेमेंट करना केवल भारत में ही मुमकिन है। भारत का ये ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम इतना आसान और कमाल का है कि यूएस भी इस सिस्टम को अपने देश में लाना चाहता है। हाल फिलहाल श्रीलंका, मॉरिशियस, फ्रांस, यूएई, सिंगापुर, भूटान और नेपाल में यूपीआई सिस्टम को इस्तेमाल किया जा रहा है और भारत इसे दुनिया के बाकी देशों में भी ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। मैं कनाट प्लेस के पास गया, चाय ढूंढता, वो छोटा सा मुझे बड़ी मजेदार लगती काढ़े वाली चाय। दो तस्वीरें आपको भेजूंगा, मैं चाहूंगा आप शेयर करें जरूर, कि एक वहां पे एक बच्चा दो तीन ईंटे रख के ऊपर उसके बर्तन रख के चाय बना रहा था। लाइन लगी हुई थी, लोग ले रहे थे चाय उसकी, बहुत मजेदार थी, लेकिन साथ यूपीआई का साइन पड़ा। ये फोन के जरिए पेमेंट रिसीव करना चाहिए, उसकी दुकान भी नहीं बेच रहेगी, ठेला भी नहीं है, ईंटों के ऊपर रख के बैठा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। फिर उसके बाद मैं घूमता रहा कल उस पे कनाट प्लेस पे, छोटी छोटी हैंडीक्राफ्ट चीजें, जितने बाहर ठेले वाले हैं सबके पास यूपीआई और जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। ये क्या वजह है कि 100 मील के फासले पे कौम की सोच अलग है? मैं देख रहा हूं, मैं मेट्रो में गया हूं, एक सिगरेट बट नहीं देखा मैंने। मैं इंडिया गेट गया हूं, मुझे अमेरिका से ज्यादा सफाई नजर आ रही है। ये एक माइंड सेट होता है, एक रेवोल्यूशन होता है। जिस तरह इंदौर गया हूं तो मैंने देखा है कि 7वीं दफा वो क्लीनर सिटी आया, कैसे आया है मैंने उस पर देखा है, रिसर्च की। लेकिन ये हमारे 100 मील के फासले पे क्यों नहीं चीजें आती? मेरे ऊपर कई इल्जाम, कोई आईएसआई का लगाता है, कोई रा का लगाता है, खुदा का नाम लो, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज में। मेरा कोई, मैं खुश हूं भारत की तरक्की पर आज, क्योंकि ये सब कांटे मेरे भाई हैं, ये मैं खुश हूं। पाकिस्तान के लिए दुआ गो हूं कि वो भी इनसे कुछ सीख लें। मैं तो, मुझे तो पहले तुम लोगों ने निकाल दिया था, अमेरिका में बैठो, मेरा आपके साथ क्या रिलेशनशिप? मुझे मेरा क्या है? आपको जो लूट के लेके जा रहे हैं टोरंटो लंदन, वो आज के थोड़ी कर रहे हैं। मैं तो आपके आंखें खोलने की कोशिश कर रहा हूं, अगर पॉसिबल है अपने आसपास से देखो,
और इनसे नहीं सीखते बंगाली भाइयों से सीख लो यार। लेकिन मैं यहां भी रिक्वेस्ट ये करूंगा कि ये जो मजहबी ये जो रिलीजियस टॉलरेंस सीखने की कोशिश करो। रिलीजियस इज अ पर्सनल मैटर ऑफ हर इंसान का, उसका अपना रिलेशनशिप जिसके साथ भी है। हम जो सारे पैदा होते हैं स्पिरिचुअल एपेटाइट लेके पैदा होते हैं, हमने उसको किसी ना किसी तरीके से सेटिस्फाई करना होता है। कोई भगवान कह लेता है, कोई अल्लाह कह लेता है, कोई ईश्वर कह लेता है, कोई वाहेगुरु कह लेता है, कोई मैरी कह लेता है, कोई जीसस कह लेता है, उसका पर्सनल मैटर है, उसको रहने दो यार, इससे आगे चलो। बॉम्बे में मोची के पास क्यू आर कोड था, ठीक है, पान वाले के पास क्यू आर कोड था, आपको कैश की जरूरत नहीं, आप स्कैन। कचोरी बंद लोग खा रहे थे वहां, मैं देख रहा हूँ यार कचोरी सब खा रहे हैं और खा के जा रहे हैं, पैसे कोई नहीं दे रहा, ट्रांजैक्शन है, अबे वो चेक क्यों नहीं कर रहा। फिर मैंने साइट पे देखा तो पेटीएम का क्यूआर कोड लगा हुआ था, लोग स्कैन करके दे के चले जाते थे उसके अंदर। फिर मैंने दोस्त से पूछा कि हाउ डज द गाय कीप ट्रैक ऑफ किसने दिया, कितना आया कितना नहीं आया। उसने कहा ये दैट एक्चुअली इज एन इशू, सो व्हाट द फिनटेक्स हैव स्टार्टेड डूइंग इज गिविंग स्मार्ट स्पीकर्स दैट आर कनेक्टेड टू द मर्चेंट्स वॉलेट, तो अनाउंस करता है स्पीकर 50 रुपीज रिसीव्ड, 100 रुपीज रिसीव्ड, 20 रिसीव्ड, तो वो अपनी कचोरी बना रहा है या पानी पूरी या पान बना रहा है और पीछे उसके पास स्पीकर है, तो उसके बाद आवाज आती रहती है कि पैसा दे दिया किसी ने, रिसीव्ड अकाउंट, माइक्रो ट्रांजैक्शंस। दूसरा एक बेसिक चीज ऐसा लग रहा है कि पता नहीं को फ्यूचर में चले गए हैं आप पाकिस्तान से इंडिया, मतलब या इट वाज ट्रांसफॉर्मेशनल राइट। अब दीस आर लाइक प्रीटी एक्सेसिबल, मतलब ये कोई नॉट रॉकेट साइंस, जीरो रॉकेट साइंस, नो। सो एंड अगेन ऐसा नहीं है कि इंडिया में कैश अब इस्तेमाल नहीं होता, इंडिया कैश सर्कुलेशन एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी 13%, पाकिस्तान इज रफली 20%, तो आप उसको 13 तक भी ले आए कंपेयर्ड, ब्रिंग इट एट पार विद इंडिया, इट ट्रांसफॉर्म्स योर इकोनॉमी फॉर वेरियस रीजंस इंक्लूडिंग यू नो कैपिटल क्रिएशन, क्रेडिट। हमारे पास आई एम अज्यूमिंग कि वो जो बेसिक 5G जो जियो ने किया है वहां पर वो भी नहीं है यहां पर, तो नहीं, तो वो अभी कनेक्टिविटी इतनी ज्यादा, वो जब आएगा तब ये चीजें। हाँ, और अब रास्ट अनरोल रोल आउट हो रहा है मर्चेंट्स पेमेंट्स इंटरऑपरेबल क्यूआर कोड, दे हैव बीन स्लो एट इट। द ट्रेजेडी इन दिस शहजाद इज दैट जिसे इंडिया स्टैक कहते हैं, जैम ट्रिनिटी कहा जाता है, जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट्स, यूपीआई एंड मोबाइल फोन एक्सेस, दैट आधार यूनिक आईडी डिजिटल आईडी इज अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ इट। पाकिस्तान एक्चुअली गॉट डिजिटल आईडी वे बिफोर आधार वाज रोल्ड आउट। मैंने अपना आई थिंक पहला NIC जब बनाया था उसमें चिप थी, हाँ, पहला NIC अपना, सेम हमारी जनरेशन के सबके डिजिटाइज IDs थे, पासपोर्ट डिजिटाइज थे, बट हमने नेक्स्ट स्टेप नहीं लिया उससे, एंड वी लैग्ड, हमने डाल दी बस, आई बस डाल दी। अभी भी नादरा जो है आधार फॉर एग्जांपल डज नॉट चार्ज मनी, और मे बी चार्जेस अ नोशनल अमाउंट, पीपल इन योर कमेंट्स हु आर फ्रॉम इंडिया विल करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग ऑन दिस वन, बट इन एनी केस द कॉस्ट ऑफ पिंगिंग द आधार डेटाबेस इज वेरी लिटिल टू लो कॉस्ट, नो कॉस्ट। ये देखिए जिस तरह से वो लोग कोड इस्तेमाल करते हैं, स्कैन करते हैं और पैसे ट्रांसफर होते हैं, कैशलेस इकोनॉमी है, ये एक जमीन पर बैठी हुई औरत है जो सब्जी बेच रही है और स्टिल यूपीआई कोड दिखा रही है, तो क्या कहते हैं सर? आप समझते हैं पाकिस्तान इंडिया का कोई कंपटीशन है? ये हम बातें कहने में तो पाकिस्तान को कहते हैं जी इंडिया को ये कर देगा, इंडिया हमसे 100 साल आगे है, बहुत आगे, इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। ये तो जो पाकिस्तानी होंगे सिर्फ वो होता है कि यार हम पाकिस्तानी हम बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला है ही नहीं, दिल को तसल्ली दें तो मुकाबला है, अदरवाइज इंडिया पाकिस्तान से 100 गुना आगे जाता है, लेकिन वो बस माइंड में हमारे भरा है पाकिस्तानी, वैसा मोहब्बत करते पाकिस्तान से, हमारा कजन है इंडिया वाला। आपका कजन, आप अफगानी हो? हाँ, अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान के हो, मोहब्बत इंडिया से करते हो या पाकिस्तान से? नहीं, मोहब्बत तो पाकिस्तान से ही होगी ना, लेकिन अगर आप पूछेंगे तरक्की कौन करे तो इंडिया बहुत आगे है जी, आप आंखें बंद कर लें कि जी बिल्ली को कबूतर नहीं खाएगा तो ये तो ना वाली बात है।